हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट थर्ड से है। जैसा कि यूनिट थर्ड के अंदर हम गियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो पिनियन के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होना चाहिए पिनियन के ऊपर जिससे कि हम इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकें। आज हम बात करेंगे व्हील के रिस्पेक्ट में, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। जनरली दोनों डेरिवेशन हम बोल सकते हैं सेम है, और ये डेरिवेशन हमें कुछ फॉर्मूलेज देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ व्हील के ऊपर होना चाहिए या पिनियन के ऊपर होना चाहिए जिससे कि जो है आप इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकें। तो जैसा कि इंटरफेरेंस के बारे में मैंने बताया कि ये सही चीज़ नहीं है, जिससे कि क्या होगा, आपका एक टीथ दूसरे टीथ को डिग आउट करेगा और उसको अंडरकट कर देगा, जिससे के कारण कि जो आपका टीथ है वो वीक हो जाएगा और नीचे के पोर्शन से फ्लैट वाले जो पोर्शन है वहां से वीक हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फेलियर हो जाएगा। तो हम इंटरफेरेंस को अवॉइड करते हैं जनरली, और नंबर ऑफ बेस है जिससे हम इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं, तो इस पर मैं ऑलरेडी आपको बता रखा है। और इसी पे बेस्ड जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत पूछता है गेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस। मैं एक दो क्वेश्चंस इस पे करवाऊंगा आपको। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी से गेट IAS PSC साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अभी एक रिसेंटली एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया है, थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स, जो कि पावर प्लांट जो है उसी का पार्ट है। दूसरा हमारा थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट हो गया है, और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है ये है थ्योरी ऑफ मशीन, जिस पर ऑलरेडी मैंने आपको 60 से 70 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इसको समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंटरफेरेंस क्या होता है ऊबे वाले वीडियो देखिए, साथ ही साथ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन उसको देखना कंपलसरी है, और साथ ही साथ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच क्या होता है, ये सब चीज़ें देखना जरूरी है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको ये बता रखा है, ये जो टॉपिक है डिस्कस कर चुका हूँ, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी इसमें यूज़ करेंगे आज के में सेम टू सेम, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पिछले वाले लेक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। तो जैसा कि ये व्हील होता है, ये पिनियन होता है, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल होते हैं, यहाँ पर ये पिच पॉइंट है, और आप देख रहे होंगे O2 के रिस्पेक्ट में ये N है और ये O1 के रिस्पेक्ट में M है। तो ये O2M जो है ये आपका मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम एडेंडम सर्कल जो है उसकी रेडियस है, ठीक है, इससे ज़्यादा हुआ तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। और O1N जो है ये किसके रिस्पेक्ट में, आपका पिनियन के रिस्पेक्ट में, इससे ज़्यादा हुआ तो ये डिग आउट हो जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन से इंटरफेरेंस में चला जाएगा। तो ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि इसमें कुछ नोटेशन है, टी निकालना है आपको वैल्यू, टी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू द अवॉइड इंटरफेरेंस ऑन व्हील, AWM। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने APM देखा था, तो ये क्या है, एडेंडम ऑन द व्हील मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में, मॉड्यूल की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे वेरी होती रहती है। मॉड्यूल क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन टी, कैपिटल डी पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील, O2M लिमिटिंग रेडियस ऑफ व्हील ऑन एडेंडम सर्कल, कितनी लिमिटिंग रेडियस होना चाहिए इस चीज़ का। तो इसको हम देखते हैं, मैं साथ में यहाँ पर ये पुराना जो उसका ये रख देता हूँ जिसमें आप देखते जाइएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है ट्रायंगल देखना है, फ्रॉम ट्रायंगल O2MP, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है O2MP। तो O2MP में जैसे कि O2M का स्क्वायर, ये जो O2M है इसका स्क्वायर, तो ये O2M किसका समीशन है, इसका प्लस इसका समीशन, यानी A प्लस B का स्क्वायर। तो A प्लस B का स्क्वायर को खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो इस टाइप से इसको करके लिखेंगे, O2P का स्क्वायर, O2P आपका ये हो जाएगा O2P का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ये PM का स्क्वायर है, PM इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में सेम है, माइनस 2 इंटू O2P इंटू PM कॉस O2PM, ये चीज़ याद रखना, 2 O2P और ये PM के रिस्पेक्ट में ये एंगल भी रहेगा O2PM, ठीक है। अब इसको देखें हम, जैसे कि ये O2P क्या है आपका, O2P ये जो है पिच सर्कल का रेडियस है व्हील के रिस्पेक्ट में, जैसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम कैपिटल R से, ठीक है, प्लस ये जो PM है, इस PM को ध्यान रखना है आपको, ये PM जो है ये होगा आपका R sin phi,
जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले जब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला था, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको हम निकालते हैं लेंथ के रिस्पेक्ट में। आर जो हो जाएगा आपका ये स्मॉल आर है, इसके रिस्पेक्ट में होगा ओ वन पी, है ना, ये ओ वन पी होगा और साइन फाई उसके रिस्पेक्ट में एंगल, तो पी एम हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओ टू पी जो है ये पी एम जो है ये आपका हो जाएगा क्या, आर स्क्वेयर है चूंकि, तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई माइनस टू आर डॉट आर साइन फाई और ये कॉस 90 प्लस साई, ये जो एंगल है ये आपका कॉस 90 प्लस साई हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये जो है कॉस 90 प्लस साई इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन में, तो ये आ जाएगा माइनस साइन फाई, है ना, तो आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई ये प्लस हो जाएगा टू आर आर साइन स्क्वेयर फाई, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम आर स्क्वेयर कॉमन निकाल लेंगे, हमारा ये इस टाइप से ये है, आर स्क्वेयर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर नीचे आर स्क्वेयर प्लस टू आर साइन फाई अपॉन आर, ठीक है, आर से आर कट जाएगा तो ये बचेगा आपका, तो यहाँ से आर स्क्वेयर वन प्लस आर अपॉन आर प्लस टू साइन स्क्वेयर साइन इस टाइप से ये हो जाएगा ओ टू एम, इसका स्क्वेयर है, अब स्क्वेयर को हटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा ओ टू एम, तो ये आर स्क्वेयर होगा तो ये आर बचेगा अंडर रूट में ये चला जाएगा वन प्लस आर अपॉन आर प्लस टू साइन स्क्वेयर साइन, ठीक है। तो ये क्या है हमारी लिमिटिंग रेडियस ऑफ अडेंडम ऑन यील्ड, ठीक है, ये जो ओ टू एम है ये, इसमें अगर सभी चीज़ें मालूम है तो आप जो है वैल्यू पुट करके इसकी जो भी लिमिट है रेडियस जो है अडेंडम सर्कल की वो फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, तो जिससे हम बता सकते हैं कि ये लिमिटिंग रेडियस है। अब इसको अगर मैं, जैसे कि हमने गियर रेशियो देखा था कि जी इजल टू होता है आपका कैपिटल टी अपॉन या फिर आर अपॉन आर, ठीक है, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ तो बाउन अपॉन जी हो जाएगा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी और ये हो जाएगा आर अपॉन ए आर, ठीक है। तो यहाँ पर ओ टू एम इजल टू ये आपका आर अंडर रूट वन प्लस आर अपॉन आर प्लस टू साइन स्क्वेयर फाइव, ठीक है। तो ये आपका वही ऊपर वाला फॉर्मूला है, अब इसमें जो है हम ये वैल्यू पुट कर दें अगर टी के रिस्पेक्ट में लिखें, और आर जो होता है आपका वो होता है एम डॉट टी अपॉन टू, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस पर बिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला एम टी अपॉन टू आर की जगह अंडर रूट वन प्लस टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है, टी प्लस ए साइन स्क्वायर साई, ठीक है। यहाँ से हम ओ टू एम की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ टीथ मालूम है तो उसके रिस्पेक्ट में कितनी इसकी लिमिटिंग रेडियस होगी। तो इतना हमने फाइंड कर लिया, फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन हो जाएंगी उसके बाद। अब जो है हम क्या करेंगे, अडेंडम ऑन द व्हील, अडेंडम ऑन द व्हील जो है व्हील, है ना, वो निकालना है, तो आपको ये क्या हो जाएगा आपका अडेंडम ऑन द व्हील ओ टू एम डॉट ओ टू पी, ये होगा, ये कैसे होगा हम इसको देख लेते हैं, ओ टू एम है ना और ओ टू पी, ये ओ टू एम और ओ टू पी, बचा क्या आपका पी एम, ये बचा ना आपका पी एम जो है, ये टोटल जो बचा, तो इसको जो है हम ये जो पूरा पोर्शन है ये यहाँ से ये मैक्सिमम अडेंडम जाएगा ये यहाँ तक, तो ये इतनी लेंथ है ना पी एम वाली, तो इसको जनरली हम किस टाइप से लिख रहे हैं, इसको हम निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में ए डब्ल्यू डॉट एम, ठीक है। तो ये अडेंडम होता है, ये दो सर्कल जो है ये पिस सर्कल और आपका ये अडेंडम, इनके बीच में हम इसको बोलते हैं अडेंडम, जो भी लेंथ डिस्टेंस होती है, ठीक है, और एम जो है वो मॉड्यूल है। तो इसमें हम ओ टू एम जो है हमने ये निकाल लिया, जो कि आपकी लिमिटिंग रेडियस ऑफ ऑन द व्हील अडेंडम सर्कल, जो कि नीचे फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा एम डॉट टी अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस ये टी प्लस टू साइन स्क्वायर फाइव, और ये ओ टू पी क्या हो जाएगा, ये आर है कैपिटल आर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम डॉट टी अपॉन टू लिख सकते हैं इसे,
होप समझ में आ गया होगा आपको ये। अब m डॉट टी अपॉन टू कैप पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस स्मॉल टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस टू साइन स्क्वायर साई माइनस वन, ये वन जो है ये ब्रैकेट के बाहर, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पर है आपका ए डब्ल्यू एम, एम से एम कट गया आपका, तो ए डब्ल्यू बराबर आ जाएगा आपका क्या, टी अपॉन टू और ये पूरा ब्रैकेट के बाहर है वन प्लस टी साइन स्क्वायर साई माइनस वन। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला जो है इसके रिस्पेक्ट में निकल के आ जाएगा, जैसे कि हम इसकी वैल्यू जो है ए डब्ल्यू ये है अडेंडम जो है आपका वो निकाल सकते हो, अडेंडम ऑन द व्हील कितना उसका डिस्टेंस है इस सर्कल से अडेंडम की। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। अब इसमें से हमें निकालना है टी, टी क्या है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिन ऑन द व्हील इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। कैपिटल टी की वैल्यू हमें निकालना है जो कि हो जाएगा टू ए डब्ल्यू ए ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा वन प्लस टी अपॉन टी, ये टी अपॉन टी प्लस टू साइन स्क्वायर साई माइनस वन। ठीक है, तो एक तो आप इससे निकाल सकते हो, अगर नंबर ऑफ टीथ आपको मालूम है ये पिनियन का है, ये आपका व्हील का है, तो ये फाई साई एंगल आपको मालूम है, ए डब्ल्यू एम ए डब्ल्यू जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू विदाउट मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में, तो ये डिस्टेंस है ना इस सर्कल से अडेंडम की डिस्टेंस आपको डायरेक्ट गिवन होगी mm या सेंटीमीटर में जो भी होगा, पुट कर दोगे नहीं होगी तो आपको t मालूम है तो ये इसकी डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। तो डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज़ जो है आपको मेटर प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने में करना है, जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब जो है इसमें हम आगे और निकालते हैं, तो अब जो है जैसे कि जो फॉर्मूला हमारे पास मेन फॉर्मूला आया उसमें अगर हम 1 अपॉन जी जो गियर रेशियो था स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ये हो जाएगा स्मॉल टी अपॉन टी, इसको पुट कर दें, अगर गियर रेशियो आपको डायरेक्ट मालूम है तो इसको अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो कैसे फॉर्मूला हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टू ए जी अपॉन अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन जी प्लस टू साइन स्क्वायर साइन माइनस वन इस टाइप से, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फॉर्मूले को अच्छे से आप समझ लीजिए, गेट वगैरह पूछता है जिसमें हम व्हील जो है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील जो है उस पर आप ये निकाल सकते हो अगर आपको सभी चीज़ों की वैल्यू मालूम है। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं बात करूँ, इसको आप समझना, फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी मे ऑल्सो ऑब्टेन द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। पिनियन के ऊपर जो है इस फॉर्मूले से, देखो पहला जो हमारा फॉर्मूला था वो पिनियन का था, लेकिन पिनियन से हम जो है व्हील का नहीं फाइंड कर पा रहे थे, लेकिन हम जो व्हील का ये फॉर्मूला है इससे हम पिनियन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको टी अपॉन ये रेशियो जो है टीथ के रेशियो से इंटू कर देंगे जो कि आपका गियर रेशियो होता है, तो इसमें इंटू करेंगे दोनों साइड, तो ये टू इंटू एट स्मॉल टी अपॉन टी अंडर रूट पूरा ये टर्म आ जाएगी वन प्लस वन अपॉन वन जी प्लस टू साइन स्क्वायर साई, और ये ब्रैकेट के बाहर इस चीज़ को याद रखना, ये टी से आपका ये टी कट गया, स्मॉल टी की वैल्यू आपको निकालना है, ये जो पूरा वैल्यू है ये आपका वन अपॉन जी हो जाएगा, तो वन अपॉन जी ये नीचे आ जाएगा टू ए जी अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन वन जी प्लस टू साइन स्क्वायर साई, है ना, और माइनस वन, तो ये जी भी इसमें आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसमें हम ए जी के रिस्पेक्ट में, है ना, ये जो आपका ए जी उमे डब्ल्यू है ये, सॉरी इस चीज़ को याद रखना, ए डब्ल्यू जो है अडेंडम ऑन व्हील है, ये वैल्यू मालूम है, तो टी जो है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है पिनियन का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जी अगर इक्वल टू वन हो जाए यानी आपका जो व्हील एंड पिनियन जो है उनमें इक्वल टीथ है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा टी इक्वल टू टू ए डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर साई माइनस वन। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछेगा आपको, जो कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा, गेट पर भी पूछ लेता है आपको, तो इन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखिए समझिए, और जितने भी डेरिवेशन्स मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से कीजिए, डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं,
थोड़ा सा साइन और कॉस का कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो एंगल्स हैं, एंगल्स के ट्रायंगल्स जो हैं उनको याद रखना है, और उसके लिए आपको एक एक करके मेरी सभी वीडियो लेक्चर देखना पड़ेंगे। शुरू से अगर आप सभी चीज़ों को समझोगे तो कोई चीज़ कन्फ्यूजन में नहीं होगी कि मॉड्यूल क्या है, इसके अंदर गियर रेशो क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।